नाजरीन आप सभी को गरीब नवाज के 803वें उर्स का चांद मुबारक हो। स्वामी न्यूज की दुआ है कि गरीब नवाज के उर्स के मौके पर सभी हाजरीन की हर दुआ अल्लाह कबूल करे। पीर के रोज रजब माह का चांद नजर आ गया। चांद नजर आते ही दरगाह शरीफ में उर्स की तकरीबात बाजाबता तौर पर शुरू हो गई हैं। दरगाह शरीफ में हर तरफ रूहानी मंजर नजर आ रहे हैं। चांद नजर आने की खुशी में बड़े पीर की पहाड़ी से 21 तोपे दाग कर चांद होने का ऐलान किया गया। दरगाह शरीफ के तारीखी नौबत खाने में शादियाने बजाए गए और शहनाइयों की गूंज गूंजी, जिससे दरगाह शरीफ का माहौल देखते ही बनता था। जायरीन और खुद्दाम हजरात ने गले मिलकर एक दूसरे को चांद होने व उर्स की मुबारकबाद दी। चांद नजर आते ही जायरीन की आमद यकायक बढ़ गई है। दरगाह शरीफ में हर तरफ कव्वाली की महफिलों के दौर चल रहा है। आस्थान शरीफ में खिदमत का वक्त बदल गया है और जन्नती दरवाजा 6 रजब तक के लिए खोल दिया गया है, जिससे दरगाह शरीफ का माहौल पुरनूर नजर आ रहा है। चांद नजर आने के साथ ही दरगाह और आसपास के इलाकों की रौनकें देखते ही बन रही हैं। दरगाह शरीफ में हर तरफ आशिकाने ख्वाजा नजर आ रहे हैं, जो जन्नती दरवाजे से गुजरकर आस्थाने में चादर पेश करके अपने आप को खुशनसीब पा रहे हैं। दरगाह शरीफ में आने वाला हर शख्स अपने आप को खुशनसीब मान रहा है। कई लोग अपनी मन्नतें पूरी होने पर दरगाह शरीफ आकर अपने आप को सुकून में महसूस कर रहे हैं। मेरी जो मन्नत थी, मतलब ख्वाजा गरीब नवाज की, जो लगभग हमारा एक्सीडेंट हुआ था मेरे जेठ लोगों का, तो उनके वजह से मैंने मन्नत यहाँ पर ली थी। आज 6 साल हो गए, उसके बाद यह मन्नत अकीदा करना है वो पूरी हुई मेरी। बहुत अच्छा लगता है, यानी हर एक चीज यानी पूरी हो जाती है। जो दिल से मांगो वो चीज इंशाल्लाह पूरी हो जाती है। यहाँ मतलब मैं दिल को एक सुकून मिलता है, बहुत अच्छा। बच्चों को भी यही सिखाते कि यहाँ पर जो आओ तुम कुछ भी मांगो, बहुत यहाँ दिल से हूँ तुम यहाँ माथा टिकने से यानी दिल को शांति सुकून हर एक से बहुत अच्छा। ख्वाजा साहब ने हमारा 5 साल बाद दीदार किया, हुक्म दिया और हमारे को एक्सीडेंट हुआ था तब मन्नत रखी थी, वो मन्नत अदा करने हम लोग आए हुए यहाँ पे आके हमारे दिल को बहुत तसल्ली हुई है। दरगाह शरीफ में हर तरफ कव्वालियों के दौर के साथ शहनाइयों की गूंज भी गूंज रही है। हिंदुस्तान भर से कव्वाल और शहनाई बजाने वाले दरगाह शरीफ आ रहे हैं। शमीम शहनाई वाले भोपाल से गरीब नवाज में अपनी अकीदत का इजहार करने आए हैं। दरगाह शरीफ में वो अपने साथियों के साथ दिलकश अंदाज में शहनाई बजा रहे हैं। जिसे सुनकर जायरीन भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। उन्होंने अपने तासुरात स्वामी न्यूज़ को कुछ इस तरह से बताए। भोपाल से आए हैं, हर साल आते हैं साहब, यहाँ पे प्रोग्राम देते हैं, अच्छा हो जाता है। बाबा साहब कहने हमारा ये शहनाई बजाते हैं साहब, कव्वाली की धुनें बजाते हैं इसमें। और हम हर साल आते हैंगे बाबा के उर्स में और आड़े टाइम भी आते हैं, तो हमारा क्या है कि अच्छा हिसाब बन जाता है अपना, किराया भाड़ा खाना पीने का खर्चा पानी सब निकल जाता है, सरकार दे देते हैं। और हम समझ लो ये चाहते हैं कि सरकार हमें हर साल बुलाते रहें। भाई हमारे पास है ये शहनाई है, ये सब बाजा है, ये हर प्रोग्राम में बजता है। हम धुन बजाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज की और नाते पढ़ते हैं इसमें हैं। और
मन कब्ज कव्वाली भी पढ़ते हैं इसमें।